स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के साथ भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सारा दिन एक जगह पे बैठने वाला काम है, तो उसके साथ भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाइयों से ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। आम तौर पे ख़वातीन और बड़ी उम्र के लोगों में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होती है। इसके अलावा किसी वजह से अगर आंतों में रुकावट हो, जैसे कि क्रोन डिजीज़ या आंतों की टीबी हो जाना, या खुदा ना खास्ता आंतों का कैंसर हो जाना, उसके साथ भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। हमारी बड़ी आंत और रेक्टम में नर्व्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर कोई नर्व का प्रॉब्लम हो, जैसे खुदा ना खास्ता फॉलेज हो जाना, या कुछ नर्व की बीमारियां जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसन डिजीज़, इसके अंदर भी कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन हो जाती है। अगर आपके मसल्स यानी पट्ठे कमज़ोर हैं, तो उसके साथ भी कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं है, या अगर आपका थायराइड का इशू है, या अगर आप हामला हैं, तो उसके साथ भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है।